भाई साहब दूसरे सवाल पे चलते हैं। इन सवाल को लगाने से पहले सोती सर की चार बातें या सोती सर का नियम जो है आप सीख लीजिए। बहुत सिंपल है। आपने कहा कि सर आप कहीं क्लोज पाथ में लगाएंगे, हमने कहा बिल्कुल लगाएंगे। तो पहले आप ले लीजिए ड्रॉप वोल्टेज के लिए, साहब करंट आई जा रही है आर रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इसमें, आई आर होगा। करंट आई बह रही इस क्लोज सर्किट में ये है, तो कितना होगा आई इंटू आर, वोल्टेज बराबर होगा। अब कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, क्योंकि मतलब मसला किसका है, सिग्मा का है। सिग्मा मतलब एलजबरा, प्लस वन माइनस वन, तो वो इस पे डिपेंड करता है मेरे भाई मेरे दोस्त कि आप लूप लेते हैं ना, इसी को तो लूप ला बोलते हैं। लूप लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन लेते हैं, तो एक बार डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, समस्या हल। जब करंट लूप की डायरेक्शन में होगी तो करंट पॉजिटिव होगी, यानी कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव आईआर होगा। जब आपकी लूप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की अपोजिट होगी, तो करंट निगेटिव होगा, तो ईएमएफ कितना होगा, समस्या हल। माइनस प्लस की, तो क्लोज सर्किट में आप जब लूप बनाएंगे तो देख लीजिएगा कि जो करंट बह रही है वो लूप की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लीजिएगा, और अपोजिट होगा तो निगेटिव ले लीजिएगा। तो आपकी जो पॉजिटिव निगेटिव की समस्या थी वो सोती सर ने हल कर दी, अभी आधी हुई है। किसी भी सर्किट में क्या मिलेगा भाई साहब, रेजिस्टेंस मिलेगा और ईएमएफ सोर्स मिलेगा। तो अब ईएमएफ की तो बात कर लो, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबल कंडीशन होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। आपने कहा हमको लूप बनाना हमारे हाथ में है, लूप की डायरेक्शन देना हमारे हाथ में है, और आपने कहा लूप की डायरेक्शन दो ही हो सकती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हमने बिल्कुल ठीक, आप देखिए अगर लूप को देखिए कहाँ से चली है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव, जब पॉजिटिव से निगेटिव होगी तो हम माइनस लेते हैं, क्यों। अरे यार किसी भी बैटरी से करंट कहाँ से निकलती, पॉजिटिव से, तो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, कब, जब आप पॉजिटिव से लूप चल के निगेटिव जा रही है। जब आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो लूप है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो आप इसको पॉजिटिव लेते हैं, बिल्कुल सही लेते हैं, क्योंकि करंट कहाँ से निकलती है किसी में, पॉजिटिव टर्मिनल देखते हैं, तो देखिए करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम हो गई, इसलिए ईएमएफ पॉजिटिव हो गया। तो सोती सर की बेटा ये चार बातें ध्यान रखना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेना है और कहाँ पे निगेटिव। बहुत सिंपल है, फिर से रिवाइज कर दें, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन अपोजिट, तो निगेटिव ईएमएफ हो जाएगा। जब लूप पॉजिटिव से निगेटिव तो ई निगेटिव है, और जब निगेटिव से पॉजिटिव है तो ई पॉजिटिव है, क्यों, कारण बता दिया कि गुरु इसमें डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है बैटरी के, और इसमें जो बैटरी से करंट निकलती है उसके सेम डायरेक्शन हो रहा है, इसलिए ईएमएफ पॉजिटिव है, जैसा कि आपने यहाँ पे लिया। अब आ जाइए, कभी भी सर्किट को करने के लिए आप ये देखिए, यहाँ से I1 निकला और यहाँ से I2 निकला, दोनों यहाँ मिल गया, एम राइट, I1 प्लस I2 जुड़ गए इस जंक्शन पे, इधर से I1 आया इधर से I2 आ रहा जुड़ गया, तो यहाँ क्या गया I1 प्लस I2। जब इस जंक्शन पे पहुंचे तो I1 अपने घर चला गया और I2 अपने घर चला गया। ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, खूब सारे सवाल लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस काम बन गया। अब आपको कुछ नहीं है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपने लूप बना ली, ये मान लीजिए वन बना ली, ये टू बना ली, लूप की डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी है, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया बाबू तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता हूँ। इसको आपने कहा कि ये भी हम जो है क्लॉक वाइज लेंगे। अब आइए मेस वन के पास चलते हैं। मेस वन में देखिए क्या दिख रहा है बेटा, आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, कैपिटल आर एक आर वन, और ईएमएफ सोर्स एक दिख रहा है। तो सबसे पहले ये वाला बना ले, ये वाली चीज सिग्मा आई आर, फिर सिग्मा ई कर लेंगे। आई आर देखिए भाई साहब, करंट और लूप की डायरेक्शन देखिए, करंट और लूप की डायरेक्शन देखिए सेम है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आर हो गया। इसमें देखो बेटा लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम जा रही है, इसलिए पॉजिटिव होगा, खत्म। ईएमएफ देखो, देखो लूप का देखो कहाँ जा रही है, यू जा रही है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव,
देखो देखो, चौथा पॉइंट, निगेटिव से पॉजिटिव तो ई में पॉजिटिव, कितनी वैल्यू है उसकी, 1 है। ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, जीरो बना रहे हैं, तो आपने कहा चलो इवन हमको बहुत सारे दिख रहे हैं, ये दो इवन के दिख रहे हैं, तो हम करते हैं इसको इवन, इसको इधर ले आए, तो -I1 + I2 × R, इसको भी इधर ले आइए, माइनस इतना R1 = 0, यानी ये दोनों टर्म इधर है, जीरो है कोई? हाँ, देखो दोनों टर्म जीरो दिख रहे हैं, 4th इज द करेक्ट। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो सोती सर ने अपने नियम बताए हैं इसके मेस 2 पे लगाइए और देखिए सही आ रहा कि नहीं, हालांकि यहाँ पे उत्तर तो एक ही सही है, तो ये काम हो जाएगा, लेकिन इन्हीं 4 नियम को मेस 2 में भी लगाइएगा।